नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूं। हमने देखा नल ने सिर्फ 5 दिन में समुद्र के ऊपर बड़ा ही सुंदर पुल बना दिया। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, स नलेन कृतः सेतुः सागरे मकरालय सुशुभे सुभगा श्रीमान स्वाति पथ इवाम बरे। जैसे आकाश में छाया पथ हो, इस प्रकार से समुद्र के बीच में वो खिंची हुई रेखा जैसा बड़ा ही सुंदर सेतु दिखाई देता है। ततो देवाः सगंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः आगम्य गगने तस्थुर दृष्टुकामास तदद्भुतम्। अब ये कोई सामान्य रचना तो नहीं थी, दिव्य रचना है, तो उसको देखने के लिए सभी देवता गंधर्व सिद्ध ऋषि मुनि सब वहां आने लग गए हैं। इस अद्भुत कार्य को देखने के लिए 10 योजन विस्तीर्णम 7 योजनम आयतम, जो 10 योजन चौड़ा है और 100 योजन लंबा है। हम 1 लेन, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, इस प्रकार के ब्रिज बनाने में सालों लग जाते हैं गवर्नमेंट को, और यहां समुद्र पे 10 योजन चौड़ा पुल बनाया गया है और 100 योजन लंबा बनाया गया है। प्रतिदिन कितने योजन बनाया गया है इसका वर्णन हम कर चुके हैं। लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि, दद्रसुर देव गंधर्वो नल सेतुम दुष्करम सुदुष्करम। अत्यंत दुष्कर कार्य था ये, लेकिन वाह, ये है राम का मैनेजमेंट, ये है राम का प्रोत्साहन, जो वानरों को भी सिर्फ वीर योद्धा नहीं बना देता है, कर्मठ बना देता है, और इसीलिए राम राम है। आप प्लवंतः प्लवंतस्य गर्जयन्तस्य प्लवंगमः तदश्चिंत असह्यम च अद्भुतम रोमहर्षणम्। अब इस अपने पराक्रम को देख के सारे वानर, क्योंकि जो कार्य उन्होंने शुरू किया था उस कार्य में जो सफलता प्राप्त हुई है उसकी वजह से अत्यंत प्रसन्न होते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, गर्जते हैं, आनंद मनाते हैं। आजकल जैसा बात नहीं है, आजकल तो कॉलेज के बच्चों से भी कहो कि अभी एक घटना आपको बताएं, हमने कहा कि आपको सफलता मिली है, आपको पार्टी मनानी है, चलिए आप अभिनय करके बताइए। तो पार्टी मनानी, अगर इसका अभिनय करना है तो वो कहते हैं, मित्र से कहता है कि यार आज तो पार्टी है, जाओ बोतल लेके आओ। यानी पार्टी का अर्थ ही दारू के साथ जुड़ गया है, इस प्रकार की बातें हो गई हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप आनंद व्यक्त करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम हमारे यहाँ नृत्य को माना गया है। इसीलिए प्रत्येक देश और प्रदेश के नृत्य अपने अपने हैं। जब व्यक्ति परम आनंद में आता है तो झूमता है, गाता है, नाचता है, और वही यहां लिखा है। और फिर यहां ना तो देवता हैं और ना ही यहां मनुष्य हैं, यहां वानर हैं। वो आनंद अभिव्यक्त करने के लिए, पार्टी मनाने के लिए, वो देवता होते तो शायद सोमरस पीते, मनुष्य होता तो मदिरा पान करता, लेकिन वो तो यही तो इन प्राणियों की विशेषता है, वो कभी भी गलत आचरण नहीं करते हैं, वो हमेशा प्राकृतिक आचरण से ही जुड़े होते हैं। और वही यहां पे महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है कि बड़े ही सुंदर ढंग से सभी आनंद कर रहे हैं। ददृशु सर्वभूतानि सागरे सेतु बंधनम तानि कोटि सहस्राणि वानराणाम महौजसाम। अब जब लोग आए हैं और वहां पे उन्होंने सागर पे बने हुए सेतु बंध को देखा है, महर्षि वाल्मीकि ने बड़े ही सुंदर ढंग से इस सेतु का वर्णन किया है। वदनंतः सागरे सेतु, ये समुद्र के बीच में जो बांधा गया सेतु है, जगमुह पारम महोदधे, वो समुद्र के उस पार तक जाता है। विशालः, विशाल है। सुकृतः, बहुत अच्छे ढंग से, बड़ा ही मजबूताई से बनाया गया, जिसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हो, इस प्रकार का। श्रीमान,
सुभूमि सुसमाहिता, एकदम सीधा है, ऊंचा नीचा नहीं है, गड्ढे नहीं है, उबड़ खाबड़ नहीं है, और सुसमाहिता एकदम बराबर चौरस। यहां चौरस का अर्थ हम कहीं पतला हो जाए, कहीं चौड़ा हो जाए, कहीं ऐसा हो गया, वो कुछ नहीं, बिल्कुल एक समान आकार का है। तो यहां पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर जाने के लिए कैसे भी पत्थर रख लिए और उनके ऊपर से कूदते फांदते हुए बानर चले जाएंगे, ऐसा पुल का उल्लेख नहीं मिलता है। यहां जिस सेतु बंध का उल्लेख मिल रहा है उसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने करते हुए स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ये विशाल है, ये सीधा है, ये मजबूत है, ये ऊंचा नीचा नहीं है, और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल एक ही प्रकार के आकार का, यदि जितनी चौड़ाई से शुरू हुआ अंत तक उसी चौड़ाई में चला जाए, ये नहीं कि शुरू हुआ तब तो 10 योजन था और जब तक जाकर के पूरा हुआ या तो 12 योजन हो गया या 11 योजन हो गया या 9 योजन रह गया, नहीं, जैसे दोरी बांध के काम किया गया हो, इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर ये। अशोभत महासेतु श्रीमंतः इव सागरे ततः पारे समुद्र से गदा पाराणी विभीषण। एक सुंदर उपमा देते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे किसी स्त्री की मांग उसके सिर के बीच में दिखाई देती है, इसी प्रकार से ये समुद्र को जैसे कि दो भागों में विभक्त करने के लिए उसको सीमा बनाई गई हो। महर्षि वाल्मीकि इस दृश्य का वर्णन करते हुए बड़ा सुंदर एक उपमा देते हैं। वो कहते हैं अशोभतः महासेतु सीमंत इव सागरे। अब समुद्र के ऊपर बंधा हुआ वो जो सेतु है वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे कि सीमंत यानी कि मांग हो, जैसे स्त्री के सिर में बीच में मांग होती है जिससे उसके सिर के बाल दो भागों में विभक्त हो जाते हैं, इसी प्रकार से इस सेतु बंध की वजह से जो सागर है वो दो भागों में बट गया है और उसके बाद सबसे पहले उस पुल के ऊपर से विभीषण अपने चारों साथियों को लेकर के और हाथ में गदा लेकर के उस तरफ पहुंच जाते हैं। हनुमंतम त्वमारोह अंगदम चापी लक्ष्मण। लक्ष्मण अंगद के ऊपर जैसे कि पहले जब सेना ने प्रस्थान किया था जिस प्रकार से आए थे, और राम हनुमान के कंधों पर बैठते हैं। अयम ही विप्लो वीर सागरो मकरालय। अब कहा यह गया है रामचंद्र जी से और लक्ष्मण से कि आप इन वानरों की कंधों पर बैठ जाइए और फिर आप समुद्र पार कीजिए, क्योंकि ये जो समुद्र है ये बड़ा ही मकरालय, विविध प्रकार के जीव जंतु यहां होते हैं और उनके बीच में आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। वेहा यसो युवा में तो वानरो तारिष्यता। ये दोनों वानर जो है आपको उस तरफ ले जाएंगे। यहां शब्द का प्रयोग किया है तारिष्यता। अग्रतस्तस्य सैन्य से श्रीमान रामः स लक्ष्मणः। लेकिन अब ये विभीषण की चिंता हो सकती है, स्वयं समुद्र ने राम से ये कहा है कि जब तक आपका एक एक योद्धा उस तरफ नहीं पहुंच जाएगा तब तक एक भी जलचर उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से समुद्र के ऊपर से आगे जाने के लिए प्रस्थान किया है। जगाम धन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्विता अन्य मध्य ने गच्छन्ति पार्श्वतोऽन्ये प्लवंगमा। अब जैसे है राम और लक्ष्मण आगे आगे चल रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे आयोजन थे उसी प्रकार से अब सारी सेना उस समुद्र को पार कर रही है। लेकिन समुद्र पार जाने के समय बड़ी ही जल्दबाजी करने लगे, भाई आखिरकार तो वानर है ना। तो सलिले प्रपतन्ते अन्य मार्ग मन्य चले बिरे केचित वैहायसगता सुपर्णाइव पुप्लुभु। भाई कुछ वानर जो हैं इस ज्यादा जल्दबाजी में, आप देखेंगे ये कितनी विशाल सेना है, 10 योजन चौड़ा पुल इसके लिए छोटा पड़ रहा है। तो यहां लिखा है कि मार्ग संकीर्ण होने के कारण कुछ वानर तो जो है ना वो पानी में गिर पड़े, बड़ी जल्दबाजी में दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को धक्का लग गया तो कोई चला गया साइड में, कुछ लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो वहीं समुद्र के किनारे रुके हुए हैं कि भाई जैसे 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 जैसे, और कुछ क्योंकि आधे कूदे आधे फांदे इसी तरह उन्हीं का नाम तो वानर है, तो यहां से कूदते हैं थोड़ा बहुत उड़ लेते हैं फिर आगे जाके गिर पड़ते हैं, जिनमें जिस प्रकार की शक्ति, इस प्रकार से पूरी सेना जो है
घोषेण महतातस्य सिंदूर घोषम समुचितम। इन वानर सेना के महान घोष से समुद्र का घोष जो है, समुद्र का आवाज जो है वहां ढक गया है। भीम अंतर ददे भीमा तरंती हरिवाहनी, और इस प्रकार से वो पूरी राम की जो सेना है समुद्र के उस पार लंका नगरी के किनारे पहुंच जाती है। वहां जाकर के वानराणाम ही सातीर्णा वाहिनी नल सेतुना तीरे नी वी विषे राग्नो बहुमूल फल उदके। वहां जहां बहुत सारे फल मूल जल बल सबकी सुविधा है, वहां जाकर के पूरी ये राम की सेना की छावनी जाकर के विराजमान हो जाती है। देखिए ये कथा तो हमने आपको सुना थी, और इस कथा में एक भी श्लोक जहाँ से सेतु बंद हुआ वहाँ से लेके राम की सेना समुद्र के उस पार तक पहुँची वहाँ तक का मैंने एक भी श्लोक नहीं छोड़ा। और ये श्लोक नहीं छोड़ने के पीछे का कारण ये भी है, क्योंकि यहाँ पे अध्यात्म रामायण ये कहती है कि राम ने सेतु बंद के बाद रामेश्वर की स्थापना की, जैसा कि स्वयं तुलसीदास जी ने भी लिखा है। तो सेतु बंद के बाद रामेश्वर की स्थापना की है, रामेश्वर शिवलिंग को वहां विराजमान किया है, ऐसी कथा वाल्मीकि रामायण में कहीं प्राप्त नहीं होती है। कम से कम यहां तक तो प्राप्त नहीं होती है जब तक कि सेना जो है समुद्र के उस पार पहुंची है, तब तक इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि रामेश्वर की कथा ये कब कहां से और किस संदर्भ में यहां आई है। ये वीडियो इतना ही। राम की सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई है, लेकिन राम ने रामेश्वर की स्थापना नहीं की, ऐसा महर्षि वाल्मीकि के वर्णन से प्राप्त होता है। तो रामेश्वर की स्थापना को लेकर के जो तरह तरह की कथाएं, उन कथाओं का अर्थ क्या है, वो कथाएं क्यों लिखी गई हैं, उन कथाओं का औचित्य क्या है, वो सारी बातें हम अगले वीडियो में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरि निवास, और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूं, जो तथ्य महर्षि वाल्मीकि रामायण के हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।